आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे। आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है, यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान
नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा।